इस समय हम शिमला में मौजूद हैं, जहां पर लगभग 100 घंटे से अधिक हो चुका है ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जहां पर शिव मंदिर सोमवार के दिन जब यहां पर सब दर्शन पूजन के लिए आए थे तो पहाड़ टूट कर गिरा नीचे, और देखिए ये जो मलबा है इसी में अभी भी जिंदगियों की तलाश चल रही है। यहाँ पर एनडीआरएफ के जवान हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं, यहाँ पर ग्रेफ के जो जवान हैं वो मौजूद हैं, यहाँ हिमाचल प्रदेश की पुलिस है, यहाँ भारतीय फौज मौजूद है, और सब दिन रात एक करके लगातार यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग नहीं मिल पाए हैं उन्हें तो ढूंढ लिया जाए। यहां से पूरा जो रास्ता है नीचे को जाता हुआ वहां तक तलाश जारी है, क्योंकि जो परिजन है वो यहां पर बेचैन होकर बैठे हुए हैं इस प्रतीक्षा में कि कहीं कोई खबर अपनों की यहां पर आ जाए। जो स्थानीय काउंसलर हैं यहां के ठाकुर साहब, वो भी यहां पर पहले दिन से ही जिस समय हुआ था ये हादसा उसके बाद से आप यहां पर लगातार मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर लोग जो परिवार वाले आ रहे हैं, कितनी उम्मीदें बाकी रह गई हैं यहां, कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? देखो यार, रेस्क्यू तो हमारा जब तक हम अपने जो हमारी आइडेंटिफाइड लिस्ट है, जो लोग यहाँ पर समझ रहे कि मंदिर में उस दिन आए थे, तो जब तक वो नहीं मिल पाते। कितने की संख्या है सर? ये लगभग जो एग्जैक्ट हमारे पास संख्या है वो 21 लोगों की है। अच्छा। जिसमें से 14 शव जो है हमको प्राप्त हो चुके हैं, 14 डेड बॉडीज हमको मिल चुकी हैं, जिसमें अभी छोटे बच्चे बुजुर्ग सबकी तलाश चल रही है। हाँ, सबकी चल रही है, सभी सब बच्चा इसमें केवल जो हमारी लिस्ट में है वो केवल एक बच्ची रह गई छोटी, बाकी लोग बड़े हैं सारे। एक छोटा मंदिर जो था उसका शिखर एक लाल रंग का आपको सिर्फ झांकता हुआ उस मलबे में से दिख जाता है, उसके साथ ये जो हिस्सा है ये मंदिर के विस्तार का हिस्सा था जहां पर सराय का निर्माण चल रहा था, और अब वहीं से सारे ऑपरेशंस कर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वहीं से हो रहे हैं, लेकिन जो ये आप देख रहे हैं जो जो हिसाब को दिख रहा है इसके ऊपर जो है 3 मंजिला का ये मंदिर था, और उसमें नीचे एक जो आप देख रहे हैं उसमें एक बॉडी है, शिव पानी वाली बॉडी है, उसके ऊपर मंदिर का पुजारी का रूम था, उसके ऊपर जो है 3 यहाँ पर मंदिर थे। तो ये जो सारा जो ये एपिसोड ये हुआ है, ये हमारा एक हमारा ऐतिहासिक भवन है ऊपर एडवांस स्टडी, वहां पर ये बादल फटा है 7:22 के करीब, और सारा पानी जो है वहां से बहाव इतनी तीव्रता से आगे 3 सड़कों को तोड़ता हुआ, एक समर विश्वविद्यालय का रोड है, एक लोअर समल का रोड है, उसके बाद हमारी जो कालका शिमला की जो ऐतिहासिक रेलवे लाइन है जिसका इतना बड़ा ब्रिज, आप जो कह सकते हैं कितनी साल पुरानी रेलवे लाइन है, उसको तोड़ता हुआ ये पूरा मंदिर पर आया। और जो मंदिर का टॉप फ्लोर है जो भी हम समझ पा रहे हैं, और ये इंजीनियरिंग भी इनकी समझ पा रही है कि जो टॉप फ्लोर था वो बिल्कुल उस पानी के बहाव में सीधा चला गया है, नाले में निकल गया है, और उसमें जो भी लोग वहां पर उस समय मौजूद होंगे वो पानी के साथ कहीं ना कहीं वो बहुत दूर निकल गए। ये जो आप पीछे भी देख रहे हैं जो जेसीबी मशीन वहां पर लगी है, ऊपर से इसके ठीक ऊपर का जो हिस्सा है जहां का रेलवे ट्रैक हमने अभी आपको दिखाया था बिना ब्रिज के जो झूल रही है रेलवे लाइन, और यहां से होते हुए नीचे तक देखिए कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको अभी भी दिख जाएंगी। ये अभी भी आपको जो रिलीफ टीम के जवान है, जो पूरे अलग अलग जो फोर्सेज हैं हमारे, उनके नुमाइंदे किस तरीके से, देखिए कोई हाथ में फावड़ा लेकर, क्योंकि वहां पर आप उस जेसीबी मशीन को ले नहीं जा सकते हैं, वो एक तो तीखी ढलान है, दूसरा पानी का बहाव अभी भी वहां पर आपको दिख रहा है, ये पूरा रास्ता दिख रहा है, और उसके बीच में से वहां पर देखिए आप मंदिर का हिस्सा, आपको मंदिर का शिखर भी दिख जाएगा, और साथ में जो जो भारतीय सेना के जवान खड़े हैं वो सब आपको दिख जाएंगे, क्योंकि सब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो परिवार वाले यहां पर हैं, एक परिवार तो ऐसा दर्द कि 7 सदस्य उसके यहां पर एक साथ पहली बार पूजा के लिए आए और वो जो 7ों सदस्य यहां पर नहीं मिले, 5 मिल गए हैं अभी, 2 की तलाश जारी है, बाकी फैमिलीज भी यहां पर कोशिश कर रही है। बाकी फैमिलीज जो है उसमें वो जो 3 लोग थे एक फैमिली के, उसमें 2 आइडेंटिफाइड हो गए हैं। ये शिव मंदिर ऐसा दिखा करता था, ऐसा था, ऐसी थी इमारत, यहाँ पर बहुत मान्यता थी, सब सोमवार को, सावन के सोमवार को यहाँ पर पहुंचे थे पूजा करने के लिए, लेकिन ये हादसा हो गया। 21 सब कह रहे हैं सर, लेकिन ये भी कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि मुमकिन है कि कुछ मजदूर भी इस वो जो मजदूर थे वो एक्चुअली जो फर्स्ट 2 फेज में हुआ है, जब हल्का फेज हुआ तो जो पानी आया तो वो लोग सो रहे थे, जो कामगार थे यहाँ पर वो सो रहे थे, कहीं ना कहीं जब पहला झटका उनको लगा है और वो मंजिल खिसकी है तो वो 5 के 5 मजदूर बाहर आ गए और उनको रेस्क्यू कर लिया गया। अच्छा। और उसमें एक नेपाली मूल का व्यक्ति था जो यहीं पे कार्यरत था, उसको भी जो है रेस्क्यू करके बचा लिया गया, वो टोटल लोग जो 6 लोग जो यहाँ पर उसी दिन रेस्क्यू हो गए थे, लेकिन उसके अलावा 21 लोग इसमें मौजूद थे, इसमें से मैं आपको बता दी 14 मिल चुके हैं, बाकी 7 जो अभी हमें
आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से जो मिसिंग रिपोर्ट भी है, एक बॉडी है जो आइडेंटिफाइड नहीं हो पाई है, मे भी हमने उसकी सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को भी दे दी है। और नजदीक का जो हमारे जिनकी बॉडी आज प्रोफेसर मिल गए, उनके उनका बेटा नहीं मिला, बाकी दो बॉडी उनकी मिल गई। परिवार के परिवार यहाँ पर बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। जिस तरीके से ये बर्बादी का मलबा पहाड़ के नीचे आया, अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या बादल फटा, क्या केवल बारिश और तूफान के ये हालात थे कि इस तरह की परिस्थितियां हो गई। कहने के लिए वो सीमेंटेड वॉल्स वगैरह भी आप पूरे रास्ते में आप देख सकते थे, वो रिटेंशन वॉल्स जिसमें से ड्रेनेज का पानी भी आपको आता हुआ दिख जाएगा, लेकिन वो सब भी इस प्राकृतिक आपदा के आगे ठहर नहीं पा रहे। हिमाचल प्रदेश का क्या हाल हो रहा है, पूरे पूरे राज्य में जो सूरत हाल है इस समय, उसकी ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पहले मंदिर पर पहाड़ टूट कर गिरता है, मंदिर ही नहीं 20 जिंदगियां दब जाती है। दशकों से जो मकान बने हैं वो भी गिर रहे हैं। जिंदगियां अब मलबे के भीतर से किसी तरह सांस लेते बाहर निकलने की जंग लड़ रही है। ऐसा क्या हो रहा है कि पहाड़, नदी, पेड़ सब दुश्मन बनते दिख रहे हैं? सोमवार से तबाही झेलते हिमाचल में अब तक 71 लोगों के शव मिल चुके हैं। एक पहाड़ और तीन नदियों के चौतरफा अटैक के बीच फंसे हिमाचल प्रदेश में 7,500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जुलाई में तबाही झेले हिमालय के हिमाचल को अगस्त में हुए दोबारा अटैक के बाद संभलने में वक्त लगना तय है, और तब देखना जरूरी है हिमाचल की इन तस्वीरों को। हिमाचल प्रदेश का पोंग डैम, जिसे हिमाचल और पंजाब की लाइफलाइन कहा गया, बादल फाड़ और बेहिसाब बारिश के बाद सब्र का बांध बहने लगा। पहाड़ों के खिसकने से अगर एक तबाही आई तो बांध से छोड़ा जाता पानी हिमाचल के कई शहरों गांवों को डुबा रहा है। जिस प्रकार की तबाही का मंजर इस बरसात में आया है, 50 साल में ऐसी तबाही का मंजर जो अपने 50 साल का जीवन काल पूरा कर चुके हैं उन्होंने भी कभी नहीं देखा होगा। पोंग डैम से 16 अगस्त को 1,44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, अब 1,00,000 क्यूसेक पानी और छोड़ा जाएगा। एक दिन में 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ना ही सुरक्षित माना गया, यानी कल औसत से 3 गुना ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। कांगड़ा जिले समेत कई जगहों पर फंसे लोगों को निकालने के लिए एयरपोर्ट के विमान 48 घंटे में 50 से ज्यादा बार उड़ान भर के सैकड़ों लोगों को बाहर सुरक्षित जगहों पर ला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की हालत समझनी है तो शिमला के ऊपरी इलाके में 14 से 16 अगस्त के बीच मची तबाही की ऐसी तस्वीरों को याद करना जरूरी है, जब तेज बारिश और भूस्खलन के बीच मजबूत ढांचे कागज के पत्ते की तरह गिरे और बहते गए। कालका और शिमला के बीच का रेल ट्रैक हो या कालका और शिमला के बीच का हाईवे, दोनों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रेल ट्रैक की जमीन अगर खिसक चुकी है तो हाईवे का भी एक हिस्सा धंस चुका है। ये देख के ही आप समझ सकते हैं, यहीं से पूरा वो मलबा आया था जो नीचे जाकर जो शिव मंदिर है वहां पर उसे लेते हुए आगे गया है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, जो पटरी है वो पूरी तरीके से हवा में इस समय तैर रही है। ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा, हालांकि यहां पर ये बताया गया कि लगभग 15 दिन के भीतर इसको रिस्टोर कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो भयावह दृश्य है ये खुद में बताता है, पूरा पहाड़ का हिस्सा टूटा होगा, जो पूरे पेड़ है वो टूटते हुए तने केवल उसके अब दिख रहे हैं यहाँ पर, और ये पूरा तोड़ता हुआ इसे ले गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी यहां पर चल रहा है। कालका शिमला हाईवे का ये पूरा हिस्सा देखिए, सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है, नीचे गिर चुकी है। पहाड़ का हिस्सा जब तेज बारिश के बाद टूट कर नीचे आया तो ये कैसा भयावह मंजर अपने पीछे छोड़ गया है। हालांकि चूंकि सेब का मौसम है, इस कारण किसी भी तरीके से उस हाईवे को बाधित नहीं किया जा सकता है, नहीं रखा जा सकता है, जो इस समय दिल्ली को शिमला से जोड़ता है, वरना किसानों को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसके जिन हिस्सों में इस तरह की क्षति पहुंची है, एक सड़क को ही टू वे कर दिया गया है ताकि गाड़ियां चल सके, लेकिन इस तरह के हिस्से आपको कई दिखेंगे जहां पर पहाड़ टूट कर आकर गिरा है। शिमला के समरहिल इलाके में जहां शिव मंदिर के पास लैंडस्लाइड के बाद सबसे बड़ी आपदा आई, वहां अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज भी यहां एक शव मलबे के भीतर से मिला है।
जिंदगी की उम्मीद अब यहाँ भीतर कम बची है।